28 वाले से ना ये सेंटर नेट पैक नहीं आए हाँ ना नहीं 28 वाले जा वैसे तो ज़्यादा लोग उसको बोलने चाहिए थे ना, तेरा जो भी बॉयफ्रेंड है ज़्यादा रोमांटिक है। और वैसे तो मैंने एक प्रोफाइल पिक भी बनाई थी, लेकिन उसमें साफ साफ का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मेरा आ रहा था और मेरे साथ थी, लेकिन वो किसी को भी समझ में नहीं आया कि रियल में है। किसी दोस्त के स्मार्टफोन पर मैंने एक बार लॉग इन किया रहा था मेरा फेसबुक, और लॉग आउट करना भूल गया था। तो उसने क्या कर रहा था कि मोबाइल जो मेरा लॉक कर रहा था, एल्बम था मेरा के जो फ़ोटो थे वो फ़ोटो उसने अनलॉक कर दिए, वो एल्बम ने अनलॉक कर दिया, तो ज़्यादा तो फैलने लगे वो फ़ोटो। बदमाशी है, ये बदमाशी करते हैं, ऐसे करके लड़की को वाट लगाता है। मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं उसके साथ शादी करने वाला था, उसके घर को भी घर वाले को भी मालूम थे। लीगली ऐसे जो अपने विधि की परंपरा है उसके हिसाब से हम दोनों ने शादी भी करी थी, उसके हिसाब से मेरा पूरा हक बनता है मेरे बीवी का, और मेरे फ़ोटो मैं फेसबुक पर डाल दूँ। ना ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको नहीं लगता? मेरे को एक लड़की बोलती थी ऐसा, हमने सामने बोलने के लिए ज़्यादा डेरिंग नहीं रहती, मन की बात, और इंटरनेट पे क्या है वो बहुत दूर रहती है, अपन उसके बहुत दूर रहते, तो कुछ भी मैसेज डालो तो आपके पास नहीं आएंगी, नहीं ऐसा कुछ भी मैसेज डाल लेगा, तुम मुझको अच्छी लगती हो, तुम्हारा ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। उसके बारे में अच्छा बोला तो रोज का मैसेज नहीं क्या चालू होता, कभी मैं उसको ऑनलाइन दिखा तो वो खुद से मैसेज डालती, हाय हेलो, फिर क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ये सब चालू होता, फिर मिलने का कुछ तो बहाना बताने का, तू इधर रहती है मैं उधर आ रहा हूँ, मेरा काम है तो दो मिनट के लिए मिल सकती हो क्या, तो ऐसा कुछ बोल के वो आ जाती, फिर दो मिनट के लिए आती, पर 10-15 मिनट रहती है साथ में, फिर अच्छी दोस्ती बनी, तो किधर गार्डन वर्डन कॉलेज विलेज इस जगह पे भी मान जाती हो आने के लिए। पहले तो चेक करता हूँ फेसबुक पे इसका अकाउंट फेक है ओरिजिनली।
ओ फेक अकाउंट बना था फेसबुक पर। नहीं लड़की का मेरा फेक अकाउंट कुछ नहीं है। लड़के लोग को गुमराह करते हैं और दूसरे के साथ लड़की बन के चैट करते हैं। गाय कोटे बोलते रे जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। आगे आज उकराई लेके आन पुलिस। अभी जो भी कचरा है ना वो उठा के कचरा कुंडी में डालने का, और जो भी बचा कचरा है वो दादी दादी को देके वो दादी अपना अलग करेगी और बेचने के लिए जाएगी। फिर मैं काम तो इधर साई सर्विस हमारे घर के 1 किलोमीटर अंतर पे, उसके अंदर सोपे का गोडाउन है महाराष्ट्र मैगजीन करके, उसमें मैं काम करता हूँ। मेरे फेसबुक पे तो नहीं है, मेरे फेसबुक पे मैंने कॉलेज का स्टूडेंट डाला है। वो डालने से मैं जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मेरे को जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं वो कम हो जाएंगे। कॉलेज में स्टूडेंट रहेगा तो ज़्यादा इंप्रेस होती है लड़की। एक्चुअली ओलेक्स पे जो सेलिंग चलता है, हमारे दोस्त ने एक्टिव दूसरे की दिया था और नंबर इसका दिया था। उसको दिन में जो 10 कॉल आते तो उसको 100 कॉल दिन में आने लगे। फेसबुक आने के पहले कमेंट, शेयर, लोकेशन ऐसे वर्ड पहले मालूम नहीं थे। जब से फेसबुक आया तभी ना क्या बार बार फेसबुक पे पढ़ने के बाद मालूम गिरा कि कमेंट को क्या बोलते। कमेंट यानी कि क्या, शेयर यानी कि कुछ चीज़ नहीं क्या, तो शेयर करने के सबके साथ। लोकेशन यानी कि किधर हो क्या, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड है इंग्लिश के वो मालूम नहीं रहते मुझे। संडे में ही ज़्यादा हम काम करते बैठे हैं। तक जो भी अपना गाना बनाते हुए बना के जो आप हमारी जो एकेडमी है दोस्त लोगों की वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, और अच्छा हुआ तो गाना वो रिलीज़ हो जाता है। फिर जो भी अपने पुणे में के डीजे से वो अपना हमारा गाना बजाते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ पर किसी को देखा ना ज़्यादा, लड़का लड़का लड़की जो है जिसके रिलेशन सा ऐसे पड़ोस के नहीं है, बाहर का लड़का ऐसी लड़की के साथ भी देखा ना, तो वो लड़की के घर पे नाम बताते ना। पहचान के बहुत है उसके भी और मेरे भी, उसने कुछ मेरे फोटो पे कमेंट किया तो सबको मालूम गिरेगा नहीं क्या इसका और इसका ये कैसे गया। वो लड़का जय भीम का है और तुम्हारी लड़की मोमेडियन की है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसके लिए ज़्यादा फेसबुक पे नहीं है कमेंट लाइक वगैरह नहीं रहते लड़कियों के साथ। फ्लर्टिंग तो मैसेज में रहता है, वो किसको दिखा नहीं देता। वो प्रोफाइल चेक किया तो किसको समझ में नहीं आएगा किसके साथ चैटिंग करता है क्या करता है। मुझे एक फिक्स है, एक कभी कभी ऑनलाइन मिलती है, एक रोज करती है, रोज शाम में रात में चैटिंग चालू रहती है। उसको कुछ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना, या इंटरनेट का सहारा लेके, जैसे कि लवशिप के जो भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते इमेज वो मैं डाउनलोड करके उसको दिखाता हूँ, वो खुश हो तो मैं खुश। इंटरनेट का तो बहुत यूज़ रहता है फ्लर्टिंग करने में, व्हाट्सअप फेसबुक मैसेंजर, ये दोनों के सिवा फ्लर्टिंग ऐसा मेरे ख्याल से नामुमकिन है।
हाँ तो मतलब मोमो तोड़ना फेमस होना आता था, कोई बोलता है तो मैं वो तोड़ता ही रहता हूँ। हम लोग बैठे थे फ्रेंड के साथ ऐसे ही, मतलब गपा चपा चल रहा था, बीच में उसका मतलब देखो वहाँ था तो बात कर रहा था, तो हम लोग बातें कर रहे कोई सीरियसली मतलब जॉब के बारे में, उसको ध्यान हमारे पास नहीं था, वो लोग बोल रहे हाँ वो हाँ हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, कम से कम आधा घंटा हुआ हम लोग चल रहा है ऐसे ही बात, वो बोल रहा है किससे बात कर, किससे कर रहा है, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे उससे, तो क्यों नहीं हमको कॉल, तो पता चल रहा है कि वो किसी और से बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं कहाँ की क्या है चल रहा है, तो गुस्से में थोड़ा हो गया नेट, मतलब ऐसे चाहे कि किसी को इंटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर दिमाग काम नहीं करता, कोई गंदी बातें उससे ज़्यादातर हो रही है आजकल, अच्छे के लिए भी ठीक है इंटरनेट, बुरे के लिए भी ठीक है, जिस एज में नहीं क्या वो चाहिए दिमाग के लिए वो नहीं मिल रहा आजकल, हर कोई बुराई सब सब लोग फायदा क्या करता। तो इंटरनेट पर अभी जो अभी की जो यंग पीढ़ी है आजकल उन्हें सोचते हैं अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट है, उनके बारे में कुछ सर्च नहीं करता है तो कैसे हुए, कैसे गरीबी से उतने बड़े हुए राष्ट्रपति बने, वो कुछ सोचता नहीं है। आजकल गुंडागिरी, बाबा दाऊद कैसे बना, कैसे हिसाब से बना, कहाँ था कभी कहाँ गया, उससे वो धंधे रहते कैसे दोनों धंधा करें कैसे पैसा कमाएं, वही सोचते रहते। हीरोइन के फोटो सर्च करेंगे कैसी है अच्छी, तो कोई सर्च करता है कोई सचिन के बारे में सर्च नहीं करता, सचिन का फोटो कोई सर्च नहीं करते, अच्छा अच्छा क्रिकेटर है कैसे अच्छे सारे ऐप्स, और कोई ऐप मतलब अब नया नया ऐप निकल रहे हैं, तो पहले जो पुराने थे उसके बाद और वॉलीबॉल वगैरह और कुछ ऐप निकल रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा ऐप्स क्यों निकाल रहे हैं किस लिए है। स्मार्टफोन जरूरत है सर, अब कभी कभी कभार आप बाहर जाओगे घर वाले कभी बोले कहाँ पे हो कहाँ अच्छे हो ऐसे वैसे वीडियो कॉलिंग के लिए ऐसे ठीक है ना, बात कर सकते हैं हम फैमिली से बात कर सकते हैं फ्रेंड से बात कर सकते हैं। हाँ लेने वाला स्मार्टफोन अभी परसों ही लगा, परसों ही चल गयो रे अति रैंडम।